वैसे सब कुछ ठीक ही चल रहा था, उसी समय साइको पांडे की उस पर नजर पड़ गई। ए, कैसी है जानू? बाजू में नहीं आने देगी क्या? बंटी पांडे ठाकुर साहब के खास आदमी रघु पांडे का छोटा भाई था। कुसुम जब ठाकुर साहब से पहली बार मिलने आई थी, उसी समय बंटी की नजर उस पे पड़ी थी। ए, मेरे साथ चलना। ए, कितनी बार पूछूं तेरे से? ए, कुसुम रुकना, क्या कर रही तू यहाँ पे? ए, मुंशी भाई, तू यहाँ काहे को आया? ठाकुर साहब ने बोला ना ऐसे वसूली नहीं करने। वसूली तो मैं करके ही रहेगा। क्या? ए, हटना। नहीं बंटी, नहीं, बस कर बंटी। ए शक्ति, तेरी भाभी कितनी मस्त है ना। चलो चले यहाँ से। आजा आजा आजा। उस दिन के बाद जब भी मौका मिले बंटी कुसुम को परेशान करता था। कुत्ता कहीं का? भैया गाड़ी रोकिए। लड़की के साथ बदतमीजी करता है? ए, क्या है बे? और सबसे गंदी बात तो तब हुई जब वो कुसुम के हॉस्टल तक पहुंच गया था। कैसी है मेरी जान, ठीक है ना? सिस्टर ने पुलिस को फोन किया और उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। ए, कुसुम हॉस्टल में आके नाटक कर रहा है, इसको क्यों बुलाया? चले ए, हाथ छोड़ मेरा, ठाकुर का आदमी है। मेरा इस दुनिया में उसके अलावा कोई भी नहीं था। हमने जल्द ही किसी को बताए बिना शादी करने का फैसला किया। पुलिस को बुलाती है। जिंदगी बदल देने वाला पल था। बंटी मर गया, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं था। मैंने तुरंत जॉन को कॉल किया। क्या बात कर रहा है यार? जॉन ठाकुर साहब का ड्राइवर था और मेरा दोस्त भी। ब्याज ब्याज बोल बोल के मेरे बाप को मार डाला इस निकम में ठाकुर ने। ठाकुर साहब से बदला लेने के लिए जॉन वहां पर काम पर लगा था। तू भी अपने बाप की तरह उसकी सेवा कर करके मरने वाला है या मेरी तरह उस जयेश ठाकुर को फंसा कर ऑस्ट्रेलिया चलने वाला है मेरे साथ? ठाकुर साहब से बदला लेने के लिए जॉन के पास यह सही मौका था। मुझे गलती हो गई यार। कुसुम को क्या हुआ यार? हॉस्पिटल में चोट लगी है उसको। क्या कर रहा है तू भी? ऑफिस की चाबी कहाँ है? वो क्यों चाहिए तुम्हें? बता कहाँ पर है? बता ना क्यों चाहिए? लेकिन ऑफिस को खोल के क्या करने वाले हो तुम? मेरे बाप को उसी ने बर्बाद किया था ना, अब मैं उसे बर्बाद करूंगा। आजा। नहीं 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 जॉन, मेरी बात मान ले, अगर उन्हें पता चला तो हम दोनों फंस जाएंगे। शक्ति, तुझे पता ना तूने किसे मारा? वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो लोग तुझे और कुसुम को ढूंढ रहे हैं भाई। पहले ही हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं जॉन, और कुछ करेंगे तो मार डालेंगे। ठाकुर तो छोड़ देगा पर रघु पांडे नहीं, काट डालेगा तेरे को। यहां से जितना जल्दी पैसा और डॉक्यूमेंट्स लेकर भागेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये मैं सिर्फ तुम्हारे और कुसुम के लिए कर रहा हूं। मुझे भी कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं कुसुम को लेकर मुंबई, फिर बोट से श्रीलंका और वहां से ऑस्ट्रेलिया ले जाने का सोच रहा था। यही हमारा प्लान था। तू पहले कोची जा, वहां कुट्टी से मिल, ये पैसा उसको दे दे, बाकी सब चीजें वो देख लेगा। हाँ, मैं तो आज ही ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। सब कुछ चौपट हो गया और मैं यही फंस गया।
अरे देख एक औरत आ रही है। मस्त दिख रही है। एक साल हो गया लड़की को देख के। बोला कौन है बे ये? एकदम अबे रुक रुक रुक, क्या कर रहा है? भाई की बीवी है वो, दुनिया से कैसे हो? ठीक हो ना? क्या हुआ? जब तुम मेरे साथ होते थे तो लोग मुझे इज्जत दिया करते थे, आज वही लोग गंदी नजरों से देखते हैं, अब सहन नहीं होता। कौन है वो? कौन है वो? तुम्हारे इसी गुस्से ने आज तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है और हमें अनाथ कर दिया। जी करता है कि मैं मर जाऊँ। क्या बात कर रही हो बच्ची के सामने, पागल हो क्या? मैं हूं ना। क्या है? क्या चल रहा है यहाँ पर? कहो तो आपके लिए खटिया भी लगवा देते हैं। लगता है भाई इमोशनल है। मैं खा लेता हूँ। आपकी बेटी को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो आपको देखे बिना 30 साल कैसे गुजर पाएगी? क्या आप जानते